इस वीडियो में आप सीखेंगे कि चॉकलेन का प्रयोग कैसे किया जाता है। चॉकलेन का प्रयोग लकड़ी पर सीधी लाइन खींचने के लिए किया जाता है। यह लंबी दूरी या थोड़ी असमान सतह पर शीघ्रता से एकदम सीधी रेखा खींचने का एक भरोसेमंद और सस्ता तरीका है। इसके सबसे सरल रूप में चॉकलाइन में एक सूत होता है जिसे चॉक पाउडर में डुबाकर गीला किया जाता है। इसे लाइन के दोनों सिरों पर या तो पकड़ा जाता है या बांधा जाता है। इंचटेप के समान खींचने वाली चॉकलाइन में सूत को हाथ की रील में लपेटा जाता है जो क्रैंक मैकेनिज्म के साथ होती है। इसमें एक खुली जगह होती है जिसमें चॉक पाउडर भरा होता है। जब सूत को खींचकर बाहर निकाला जाता है तब इस पर रंग लग जाता है और निशान लगाया जा सकता है। धागे से बंधे हुक के कारण दूसरे व्यक्ति की सहायता के बिना एक व्यक्ति द्वारा इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसका प्रयोग करने के लिए सबसे पहले फुटे और पेंसिल की सहायता से एकदम सही निशान लगाएं, जिन्हें आपस में जोड़ा जाना है। लकड़ी के एक सिरे पर हुक फंसाएं और बॉडी को खींचे ताकि सूत निशान लगे हुए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाए। क्रैंक लीवर को बंद करें और सूत को तब तक खींचे जब तक यह कस न जाए। आप सूत को जितना अधिक कसकर पकड़ेंगे उसे खींचने पर उतनी ही अधिक सीधी लाइन खींचेगी। अब धागे को खींचकर छोड़े ताकि इसकी लंबाई के साथ साथ चॉक पाउडर नीचे छूट जाए। अतिरिक्त चॉक पाउडर को फूंक कर उड़ा दे ताकि केवल चॉक लाइन ही दिखाई दे। अब आपने चॉकलाइन का प्रयोग करना सीख लिया है।